सो अभी हम भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 29 को कवर करने वाले हैं। हर श्लोक के तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगे, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यथा पदीप्तां ज्वालणां पतंगा विसन्ति नैसया समृद्धा विगा तथैव नसया विसन्ति लोकास् तवपि वक्त्रणि समृद्धा विगा। I see all people rushing full speed into your mouths as moths dash to destruction in a blazing fire. जैसे एक आग जलती है उसमें जब अगर जो insects होते हैं वो जैसे जाते हैं तो एक बार में भस्म हो जाते हैं, उसी तरीके से कृष्ण भगवान आग की तरह बने हुए थे। वो लोग आ रहे थे, भस्म हो रहे थे, आ रहे थे, भस्म हो रहे थे। जैसे कि वो बैट होता है ना, मच्छर मारने वाली बैट, उसको जला देते हो तो सारे मच्छर आके जल जाते हैं वैसे। ठीक है, यहीं तक था श्लोक नंबर 29। नेक्स्ट हम श्लोक 30 को कवर करेंगे। हरे कृष्णा।